नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पार्डी हादसा मामले को लेकर जताया रोष पीड़ित। पार्डी हादसा मामले को लेकर जताया रोष पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता की मांग। नागपुर पार्डी में सड़क दुर्घटना में साहू परिवार की 2 बहनों की मृत्यु के मामलों को लेकर जय जवान जय किसान संगठन ने रोष जताते हुए पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता देने की मांग की है। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ता ने सड़क निर्माण को लेकर ठेके के मामले पर भी सवाल किया। जय जवान जय किसान संगठन के प्रशांत पवार व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नगर सेवक धुनेश्वर पेठे ने कहा है। जय जवान जय किसान संगठन के प्रशांत पवार व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नगर सेवक धुनेश्वर पेठे ने कहा है कि सरकार के दबाव में विविध स्थानों पर जानलेवा स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। निधि के अभाव में विकास योजनाएं लंबित है। परिवार व पेठे ने इस मामले को लेकर प्राधिकरण के प्रादेशिक अधिकारी चंद्रशेखर से फोन पर चर्चा भी की। पवार ने कहा है कि प्रकल्प का काम 4.5 वर्ष से भी अधिक समय से चल रहा है। अपूर्व काम से सड़क पर गड्ढे पड़े हैं, यातायात की अड़चन होती है। ठेकेदार व अधिकारी का हित संबंध होने के कारण प्रकल्प पूरा नहीं हो पाया है। भूमि अधिग्रहण नहीं होने के बाद भी काम का ठेका दिया गया है। प्राधिकरण की ओर से ठेकेदार को लाभ पहुँचाया जा रहा है। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की। पुलिस आयुक्त से इस संबंध में मुलाकात की जाएगी। प्राधिकरण की ओर से आश्वस्त किया गया है कि शनिवार को प्रकल्प स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। चर्चा के दौरान रवि इक्केवाल, अरुण वनकर, विजय कुमार शिंदे, मिलिंद महादेवकर, राजेश माटे, श्री केश जाधव, महेश भांगे, संदीप मेंढे, रुद्रा शाक्य, राकेश बोरीकर आदि उपस्थित थे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।